सच कहता निरानी दिल से नाप जोक के धरती पे नहीं तुला गेलू दूसर लोक के चांद जरत हुई है तोहरा सुगराई पे ना। संतोष उत्पाती जी अच्छा लिखा है, सुनो ससुर जी में भी लिखा है इन्होंने, और ये राजा के रानी में इनका एक बड़ा उम्दा गाना है इस फिल्म में। हमने कोशिश की है कि कर्णप्रिय संगीत बनाने की कोशिश की है और सारे गाने अच्छे हैं, और बाकी जब जनता सुनेगी वो जब प्रतिसाद देगी। 8 गाने हैं और इसमें लगभग हमारे आलोक कुमार हैं जो काफ़ी सालों से हमारे साथ गाते रहे हैं। आलोक कुमार हो गए, मोहन राठौर हैं, प्रियंका सिंह हैं, जो हमारे रनिंग आज के डेट में जितने भी हमारे कलाकार हैं। फिल्म के डायरेक्टर हमारे जो हैं दिनकर कपूर जी, जिसे सभी लोग केडी के नाम से जानते हैं। इनके साथ हमने पहली फिल्म शुरू की थी निरहुआ रिक्शा वाला, और उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी फिल्में साथ की है और उनका आशीर्वाद। गोलू को दरअसल लाने वाले दिनकर जी ही हैं। गोलू जी की प्रतिभा को सबसे पहले उन्होंने ही निरहुआ रिक्शा वाला थी राजे चल आर्टिस्ट। दिनकर जी इस बीच में आए और कहा कि एक पिक्चर हम गोलू के साथ करना चाहते हैं। बोले बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। दिनकर जी ने ही पहचाना था उसकी प्रतिभा को, तो मैंने कहा आप बिल्कुल करें, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो अच्छा होगा। देखिए गोलू सिंगर है लेकिन वो शूटिंग में व्यस्त है, और प्रोड्यूसर कहते हैं कि भाई जल्दी मेरा संगीत दो। तो कभी कल जो रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं, जैसे हमने सुनो सरसों जी में गोलू जी को यूज़ किया था उनकी आवाज़ को, इसमें भी एक गाना है उनका। दर्शकों का तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा, उन्होंने इतना अच्छा प्रतिसाद दिया है और जो आशीर्वाद दिया उन्होंने, बस हमारी इच्छा रहेगी कि हमारा हम पे उनका ये आशीर्वाद सदा बना रहे। जी सबसे पहले तो मैं दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, संतोष उत्पाती। और क्या है कि ये जो राजा की रानी है इसमें हम लोग बहुत अच्छे सर ने संगीत दिए हैं, और मैं भी इसमें लगभग 3 से 4 गाना लिखा हूँ, जिसमें 2-3 गाना बहुत ही प्यारा है, रोमांटिक सॉन्ग है और भी सब सॉन्ग। जरा आप वो गाना सुना दीजिए। कौन सा? इनका एक बहुत ही प्यारा गाना है इस राजा के रानी में। अच्छा अच्छा, हरी हरी। सच कहता निरानी दिल से नाप जोक के धरती पे नहीं तुला गेलू दूसर लोक के चांद जरत हुई है तोहरा सुगराई पे ना। बड़ा नीक लगे हरियर साड़ी हो गेहुआ रंगोराई पे ना, इन्होंने लिखा है जी। और गाया है आलोक कुमार से, हमने गवाया इस गाने को। मैं तो सबसे पहले ये बात बोलूँगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि जिन लोगों का फिल्म मैं बचपन में देखता था, आज उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। केडी सर, इतना बड़े डायरेक्टर के साथ काम करना, राजेश रजनीश के साथ, जो राजेश जी हैं, इनके साथ काम करके, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतनी बड़ी फिल्म में मुझे काम मिला। बाकी बस फिल्म तो बहुत अच्छा है कि संगीत बहुत अच्छा है, तो इसका पूरा आनंद लेंगे सब। दिनकर जी ने बहुत अच्छा स्क्रिप्ट चुना है, हम काफ़ी उत्साहित हैं इस फिल्म से कि ये फिल्म भी, हम तो दुआ करेंगे और आप लोगों से भी दुआ की अपेक्षा करते हैं कि आप लोग बहुत पुराने लोग हैं, हम लोग के लिए दुआ कीजिए। और बाकी दर्शक हमारे जो श्रोता है या दर्शक है, वही हमारे लिए सब कुछ होते हैं, वो अच्छा प्रतिसाद दें, आशीर्वाद दें। बस इसी कामना के सारे दर्शकों को, आप सबको नमस्कार। प्लैनेट भोजपुरी।